तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है, गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक फाइनली पीसी पे रिलीज हो चुका है। रिलीज तो हो गया, बट काफी लोग की जो है प्रॉब्लम आ रही है। 4 GB रैम वाले जितने भी ग्राफिक कार्ड है, लाइक 6050 1050, उन सब में जो है नहीं चलेगा वो। उसके लिए मिनिमम जो है 6 GB का ग्राफिक कार्ड मांगता है, वरना जो है ऐसी एरर आएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा, बिना कोई टाइम वेस्ट करे कैसे आप जो है सैरो को फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना। तो चलो चलते हैं हमारी पीसी की स्क्रीन पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं मेरी पीसी की स्क्रीन पे और ये मैं आपको थोड़ा प्रूफ दिखा देता हूँ। मेरा ग्राफिक कार्ड ये है RS का 6400, देख सकते हो आप। ठीक है, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। और ये एक फाइल है जो मैं आपको कमेंट करोगे ना तो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे सारे ग्राफिक कार्ड लिखे हुए हैं। देखो, जैसे कि मैं जो है 4090 क्लिक करता हूँ और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है यार। इसको ओपन करना ऐसे सिंपली जो है गॉड ऑफ वॉर की मेन डायरेक्टरी में कर देना। रिप्लेस का ऑप्शन इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम अपने गेम को रन करते हैं। देखो, और बूम, ना किसी दिक्कत के जो है अपना गेम ओपन हो चुका है। आप देख सकते हो सारा मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, पूरा एक भी स्टेप कट नहीं किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लो खुद ही। ये यहाँ पे लोगो आ चुका है इसका और अपना गेम ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, ग्राफिक कार्ड भी खोल के दिखाता हूँ अंदर से। ये देखो आप, ये 4090 आ गया। तो इस तरह से गाइस, जिनके भी मतलब 4 GB से कम ग्राफिक कार्ड है ना, उनमें आप रन कर सकते हो। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी भाई। लाइक करना और सब्सक्राइब करना।